बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फैसल ख़ान और आप देख रहे हैं फैसल वॉइस यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज एक वीडियो राजा ज़ियाउल हक भाई का है और मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ बैठ के देख लूँ। चलिए वीडियो देखते हैं, फिर उस पर बात करते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। वेलकम टू आवर वेरी स्पेशल मस्जिद लॉकअप इवेंट। इंशाल्लाह आज का जो पहला सेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये तौफीक मिल रही है कि मैं उसको आगाज़ करूँ आपके साथ। और अगर आपने पोस्टर को देखा हो और उस पर जो आपने डिफरेंट स्पीकर्स के टॉपिक्स देखे हों तो उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड हैं। तो मेरा टॉपिक जो आज का है उसका टाइटल तो है यूथ अराउंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जो मेरे पास अभी तकरीबन आधा घंटा 35 मिनट तकरीबन है तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बजाय कि बहुत सारे लोगों का जिक्र करूँ, किसी एक आध का तذکرہ करके आप तक वो मैसेज पहुँचा दूँ जो मैं एक्चुअली पहुँचाना चाहता हूँ। अच्छा, इससे पहले कि मैं उस टॉपिक पर बात शुरू करूँ, एक सवाल है वैसे आप लोगों से कि जब हम लोग सोचते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 ईयर्स के थे जब वो दुनिया से रुखसत हुए ना, तो उस टाइम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक कैसा था? यानी आप जब इमेजिन करते हैं कि आप सल्लम के बारे में आप सोचते हैं कि आप 63 इयर्स को पहुंच चुके हैं, दावत इस्लाम का जो मिशन था वो ख़त्म हो चुका है और अल्लाह ताला की तरफ से वो आयात भी नाजिल हो गई हैं कि आज तुम्हारे ऊपर दीन मुकम्मल कर दिया गया। आपने तमाम सहाबा के सामने ऊपर आसमान की तरफ उंगली करते हुए कहा अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद कि अल्लाह गवाह रहना कि आज मैंने इन पे दीन मुकम्मल कर दिया। तो उस टाइम पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरा मुबारक कैसा था, आपका हुलिया कैसा था, आप सल्लम का कद काट कैसा था, आपके बाल कैसे थे, यानी कभी सोचा इसके बारे में इंसान ने? अच्छा, अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत ही बुज़ुर्ग नुमा शख्सियत थे, यानी सफ़ेद दाढ़ी थी और लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी थी और बिल्कुल जिस तरह में कोई नज़र आता है ना, कोई बड़े कोई बारिश किस्म के बुज़ुर्ग नज़र आते हैं, अगर तो आपके दिमाग में ऐसा तसव्वुर आ रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नबी करीम सल्लम बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। आप सल्लम के बारे में सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं, जिन्होंने आपकी खिदमत में 10 साल गुजारे, फ्रॉम द टाइम ही वॉज 10 टिल द टाइम ही वॉज 20, वो कहते हैं कि मैंने आप सल्लम की दाढ़ी के बाल गिने थे जो सफ़ेद थे और वो 17 थे, सिर्फ 17 आउट ऑफ अ फुल बियर्ड ओनली 17 वाइट हेयर आई कुड फाइंड। सो आप देखें कि वो ऐसे नहीं थे। और जब भी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक जो कि उनसे 2 साल छोटे थे, जब कहीं साथ चलते हुए जाते तो लगता था कि अबू बकर सिद्दीक उम्र में बहुत बड़े हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र में बहुत छोटे हैं। अगर आप उनकी बिल्ड के बारे में देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो बहुत टॉल थे ना ही बहुत शॉर्ट थे, यानी वो ऐसा नहीं था कि वो कुछ 6 फुट 7 इंच उनका कद था, ना ही 5 फुट 2 इंच कद था, मतलब समवेयर इन द मिडल उनकी हाइट थी। अगर उनकी बिल्ड का पूछें तो उनकी मीडियम फिजिक थी, बिल्कुल पतले दुबले से भी नहीं थे और भारी भरकम भी नहीं थे, मीडियम उनकी फिजिक थी। शोल्डर्स उनके ब्रॉड थे, यानी कंधे उनके ब्रॉड थे और फिजिक उनकी जनरली आप कह सकते हैं कि मस्कुलर फिजिक थी। बाज़ जो किताबें हैं शमाइल की, यानी शमाइल की बुक्स वो होती हैं जो कि जिसमें से सबसे मशहूर शमाइल तिर्मिज़ी है, शमाइल की बुक्स वो होती है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान करती हैं। उसमें बाज़ सहाबा ने यह भी लिखा कि जब हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट देखा, और पेट कब देखा उसकी भी बहुत सारी रवायात हैं जहाँ पे आप सल्लम ने अपनी कमीज़ को ऊपर उठा के अपना पेट दिखाया किसी वजह से, वो मैं बताऊँगा क्यों। तो कहते हैं हमने आपके पेट के ऊपर बॉक्सेस देखे, बॉक्सेस उसको हम आजकल क्या कहते हैं, एब्स कहते हैं ना, सिक्स पैक एब्स कहते हैं। तो कहते हैं हमने आपके पेट के ऊपर बॉक्सेस देखे। और ये कब हुआ, एक वाकया तो तब हुआ था जब आप सल्लम एक लश्कर को ना स्ट्रेटन अप कर रहे थे लाइंस के अंदर, यूथ की बात है ना तो उनके लश्कर में नौजवान होते थे, तो अब वो उनको ना स्ट्रेट अप कर रहे हैं लाइन के अंदर और आपके हाथ में एक छड़ी है और अगर कोई थोड़ा सा आगे लाइन से तो उसको थोड़ा सा पीछे करते थे, यानी वो स्टिक के साथ थोड़ा सा उसके पेट पर रख के उसको पुश करते थे पीछे की तरफ। तो एक सहाबी को जब आपने ऐसे किया तो उन्होंने हाथ रखा यहाँ पर, कहा या रसूलल्लाह आपने तो मुझे हर्ट किया, यानी जो वो किया आपने मुझे, मुझे तो दर्द हुआ है। तो आपने क्या किया, आपने उनको छड़ी पकड़ाई और कहा कि आप भी मुझसे बदला ले लें। तो आपने अपनी शर्ट को लिफ्ट किया और जब उन्होंने शर्ट लिफ्ट की तो वो सहाबी जो थे वो आपके जिस्म के साथ चिपट गए,
और चुंगना शुरू कर दिया कि या रसूल्लाह मुझे कोई दर्द नहीं हुई थी, मैं तो सिर्फ आपको आपके साथ गले लगना चाहता था। और सहाबा वो थे जो कि नबी करीम सल्लम के पसीने के कतरे भी जमा किया करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि आपके स्वेट से भी मस्क की खुशबू आती है। सहाबा ने जिन्होंने भी नबी करीम सल्लम को डिस्क्राइब किया ना, उन्होंने कहा कि हमने ऐसे लगा जैसे हम चांद को देखें, बल्कि चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये बात इरशाद फरमाई, उन्होंने कहा कि जिसने भी आप सल्लम को एक दफ़ा देखा या एक नज़र देखा वो हैरान रह गया, वो शौक में चला गया, और जिसने भी आपके साथ सफ़र किया उसने गोया आपसे मोहब्बत कर ली, यानी इफ़ यू ट्रैवल विद द प्रॉफ़िट सल्लम यू वुड फॉल इन लव विद हिम। और इसने कहा कि कोई शख्स ऐसा मैं नहीं जानता जिसने आप सल्लम को देखा हो, उनसे मिला हो, और उसने ये ना कहा हो कि मैंने ना तो इन जैसा इनसे पहले कभी देखा और ना इन जैसा इनके बाद कभी देखा। द प्रॉफिट सल्लम वाज एन एक्सट्रीमली हैंडसम मैन, और आपकी ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन जो आ रही है ना डिटेल वाली, वो उन सहाबा से आ रही है जो बहुत नौजवान थे। एक आप सल्लम के सहाबी हैं, वो इरशाद फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मैं अगर आप मुझसे पूछो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ ज़िंदगी में क्या थी, तो मुझे इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं लगती थी सिवाय इसके कि मैं नबी करीम सल्लम की तरफ देखूँ। और अगर ये पूछो कि उनकी डिस्क्रिप्शन क्या थी, मुझे ये कहो कि उनको डिस्क्राइब करो, तो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कभी उनको जी भर के नहीं देखा। आप देखिए कितनी अजीब बात है, कहते हैं कि मुझे इससे ज़्यादा कोई चीज़ अजीज़ नहीं थी सिवाय इसके कि मैं नबी करीम सल्लम को देख लूँ, लेकिन अगर पूछो कि डिस्क्रिप्शन क्या था, बता नहीं सकता क्योंकि मैंने कभी जी भर कर देखा भी नहीं। तो एक तरफ सहाबा जो थे ना, वो आप सल्लम को देखने की तरफ खिंचे चले जाते थे कि ही हैड अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, ही हैड करिश्मा, तो वो उनसे अट्रैक्ट होते थे। दूसरी तरफ बिकॉज ऑफ हिज रिस्पेक्ट वो पूरी तरह से उनको देखते भी नहीं थे, अपनी नज़रें झुकाए रखते थे। तो दो ये पुश एंड पुल फैक्टर्स थे जो कि आप सल्लम के साथ जिसने भी उनको देखा उसने ये एक्सपीरियंस किया। और जब भी किसी ने डिटेल बताने की कोशिश की, उसने कहा भाई मैं डिटेल नहीं बता सकता, वो तो चांद से भी ज़्यादा हसीन थे। तो अरबों के यहाँ ना चांद से ज़्यादा खूबसूरत और कुछ भी नहीं है, यानी उनके यहाँ आप इमेजिन करें डेजर्ट अरेबिया है, धूप गर्मी प्यास ये सारा कुछ, तो जब रात होती है तो सुकून हो जाता है, ठंडक आ जाती है, फिर उस अंधेरी रात में जब चांद आता है तो वो और खूबसूरती में इजाफा कर देता है। तो उनके लिए चांद से ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं था, तो वो जब भी किसी की खूबसूरती का कंपैरिजन करते चांद से करते। और एक सहाबी रसूल ने तो ये भी कह दिया कि मैंने एक दफ़ा आप सल्लम को देखा, आपने रेड कलर की शॉल पहनी हुई थी, कहते मैंने उनको देखा फिर मैंने चांद को देखा, फिर मैंने उनको देखा फिर मैंने चांद को देखा, और मैंने कहा खुदा की कसम हमारे नबी चांद से ज़्यादा खूबसूरत है। ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ फिजिकल डिस्क्रिप्शन, अभी तो मैं उस पर आया नहीं उस बात पे जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके बारे में फरमाते हैं वह इन्ना का लाला खुलू के नदीम, कि सबसे बेहतरीन अखलाक आपका था, या जहाँ फरमाते हैं लकत काना रकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, सबसे अच्छा रोल मॉडल आपके आपको बना के भेजा गया। वमा अरसलना का इल्ला रहमतलिल आलमीन, आपको रहमतलिल आलमीन बनाकर भेजा गया, उस पर तो मैं अभी आया नहीं। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में कि आपकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन कैसी थी। आपका फेस थोड़ा सा ओवल शेप का था, आंखें आपकी बड़ी बड़ी थी, और आपके जो प्यूपल्स हैं वो जेट ब्लैक, यानी आपका जो आंखें हैं वो बिल्कुल ब्लैक थी, बड़ी आंखें थी, बड़ी लैशेस थी, ब्लैक, और आपके बाल भी इसी तरह थे, ना बिल्कुल घुंघराले बाल थे ना बिल्कुल डेड स्ट्रेट बाल थे, वेवी किस्म के बाल थे। और आमतौर पर आपके बाल जो थे वो आपके कानों के ईयर लोब्स तक आते थे, यानी थोड़े से आप लंबे बाल रखते थे, या अगर उम्रा वगैरह करते थे तो शेव कर देते थे। और इसी तरह से जो आपकी फिजिकल, मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी ताकतवर थे कि कई मर्दों की ताकत आप सल्लम में थी। और बहादुरी का ये आलम था कि एक दफ़ा मदीना के अंदर कहीं से ना दूर से किसी आवाज़ आई, कोई अजीब सा कोई धमाके की आवाज़ आई, तो सारे लोग ना अपने अपने खैमों से बाहर निकल आए, और एक अफरा तफरी मच गई कि भाई ये क्या हुआ, क्योंकि अनयूजुअल सी अजीब सी आवाज़ आई। सारे बाहर निकले तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से वापस आ रहे हैं, घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं बगैर काठी के, बगैर साइकिल के, हाथ में आपकी एक तलवार है, और दौड़ते दौड़ते आपने फरमाया मैं देख रहा हूँ कुछ भी नहीं। यानी उस टाइम पे जब कोई धमाका हुआ सारे अभी दोनों कह रहे होते हैं कि तुम पहले जाओ तुम पहले जाओ, आप सल्लम उस धमाके को सुनते ही घोड़े पर बैठ के रवाना हो चुके थे, और जब तक लोगों ने फैसला कभी कर रहे थे कि किसको भेजें आप सल्लम, तब तक वापस आ रहे थे। यानी ये आपकी बहादुरी और करेज का मकाम था। और सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग बैटल फील्ड में जब हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए होती थी तो हम नबी करीम सल्लम के साथ आके लड़ा करते थे, क्योंकि हमें पता था कि ये जिस तरह फाइट करेंगे और ये जिस तरह बैटल फील्ड में होंगे हम कम से कम प्रोटेक्टेड रहेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट टू गिव यू अ डिफरेंट साइड ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आमतौर पे हम लोग मिस कर जाते हैं।
हम उनके करेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं कि आप कितने रहम दिल थे, कितना लोगों से मोहब्बत करते थे, किस तरह उन्होंने दीन के लिए मेहनत की, सारी चीज़ें। लेकिन ये मैं कुछ उनके फिजिकल एस्पेक्ट्स आपको बता रहा हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल एस्पेक्ट जो कि आज का मेरा टॉपिक है वो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि खातिबुन नबीयीन थे, आपने फरमाया अगर मेरे बाप कोई नबी होता तो वो डैश होता, कौन होता? उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। आपने फरमाया अगर मेरे बाप कोई नबी होता तो वो उमर होता, लेकिन ला नबी आबादी, मेरे बाप कोई नबी नहीं। और मैं क्यों? अना खातिबुन नबीयीन, मैं अम्बिया की मोहर हूँ, मेरे बाप कोई नबी का सिलसिला नहीं है। और ये जो ख़त्म नबूवत की बात है ना, ये आप सल्लम के जिस्म पर भी इसका निशान मौजूद था। कहाँ मौजूद था? आपके शोल्डर ब्लेड्स के बीच में बैक के ऊपर एक निशान था, जो कि आप समझ लें कि एक बर्थ मार्क था, जो कि जिसको सहाबा सील ऑफ द प्रॉफिट के नाम से जानते थे कि ये आपकी सील है, ये आपका स्टैम्प है और ये आपके बैक था। ये क्या था? एक बर्थ मार्क भी था और इसके ऊपर कुछ बाल उगे हुए थे और वो इसी तरह था जैसे किसी ने स्टैम्प किया हुआ है। तो ये आप सल्लम के ऊपर बिल्कुल यूनिक चीज़ थी, क्योंकि पीछे कमर के इस साइड पे बैक साइड पे नॉर्मली बाल होते ही नहीं है। आप सल्लम के जिस्म पर वैसे भी बाल थोड़े थे और सिर्फ सहाबा बताते हैं कि आपकी चेस्ट के ऊपर एक ऐसे शेप थी और उसके बाद वो एक लाइन की फॉर्म में आपके नेवल तक बाल जाते थे बस, बाकी इतने ज़्यादा आपके हाथों पर पाँव पर या इस तरह से बाल नहीं थे। और बस एक बैक के ऊपर आपको ये एक निशान बना हुआ था जो कि एक ओवल शेप का अनयूजुअल सा एक मार्क था, जो कि सबको पता था कि ये आपकी सील है। अच्छा, अब मैं इससे एक चीज़ कनेक्ट करना चाहता हूँ, एक ऐसे नौजवान सहाबी का वाकया जो कि हमारे लिए आज बहुत बड़ी मशले राय है। ये सहाबी कौन थे? इनका नाम था सलमान अल फारसी और इनका ताल्लुक पर्शिया से था, जो प्रेजेंट डे ईरान है वहाँ से इनका ताल्लुक था। ये छोटे से बच्चे हुआ करते थे और ये माजूसी थे। माजूसी वो होते हैं जो कि फायर वर्शिपर्स होते हैं, आग की पूजा करते हैं। और ये इनका जो बाप था वो समझ लें कि कीपर ऑफ द फायर था, उसको एक बहुत बड़ा ऑनररी टाइटल मिला होता, जैसे आज हम कहते हैं ना कि कस्टोडियंस ऑफ द काबा, जो काबा की जो चाबियां जिनके पास है उनका तो बड़ा मकाम है। इसी तरह से ये जो शख्स था इसके पास ही वॉज द कीपर ऑफ द फायर, कि जहाँ पे वो लोग बड़े बड़ी मशालें जला करते थे तो उसकी जलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास थी। तो जो जिस आग को पूजने के लिए सारे लोग आते थे वो आग ये जलाता था। तो उसने क्या किया, सलमान अल फारसी को छोटी उम्र से इसी काम पे लगा दिया कि यहाँ पे हम तेल डालेंगे सारे चिरागों में, इनको आग लगाएंगे, फिर लोग आते थे वर्शिप करते थे। तो सलमान अल फारसी छोटी सी उम्र में ना ये बात उनको खटकती थी कि जिस आग को मैं खुद लगाता हूँ उसी को मैं पूजता हूँ, यानी मैं अगर तेल लेने ना जाऊँ तो ये आग नहीं जलेगी और इसी आग से मैं पुकारता हूँ कि मुझे अता फरमा दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। तो उनको ये बात शुरू से खटकती थी। तो लेकिन हुआ ये कि उनके जो वालिद थे उनको पता था कि भाई सलमान को ना ओवर पैम्पर्ड रखना है, सलमान को ना ज़्यादा लेफ्ट राइट नहीं होने देना। तो सलमान अल फारसी कभी अपने उस पैलेस से, उस जगह से बाहर निकले नहीं। ही वॉज सो प्रोटेक्टेड बाई हिज फादर, ही वॉज नॉट अलाउड टू लीव द हाउस। वो जो प्रेमिसेस थी उनकी काफ़ी बड़ी सी, उससे बाहर सलमान अल फारसी को निकलने की इजाज़त नहीं थी। एक दिन जब गालिबन सलमान अल फारसी टीनेजर होंगे, 12-13-14 साल के होंगे, तो उनके फादर ने कहा कि भाई आज तो मैं बहुत मसरूफ हूँ। बड़े डरते डरते कहा कि बेटा तुम बाजार से जाके तेल ले आओगे? सलमान अल फारसी ने कहा जी अबू आप मुझे ट्रस्ट करें मैं ले आऊँगा। उन्होंने कहा मेरी बात गौर से सुनाओ, सिर्फ तेल लेने जाना है, उसके अलावा कुछ नहीं लेना, उसके अलावा कहीं नहीं रुकना, सीधे जाओ सीधे वापस आओ। और अगर तुमने देर की यकीन करो मुझे बहुत गुस्सा आएगा, मुझे गुस्सा भी आएगा, मैं परेशान भी होऊंगा, बस सीधा टू द पॉइंट जाओ और वापस आओ बस। सलमान फारसी ने कहा ठीक है, मेरा कोई और इरादा भी नहीं है, मैं तो पहली दफ़ा बाहर निकल रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं इसके बाहर दुनिया क्या है, आप ही से सुना हुआ है कि क्या होता है। आपने पैसे लिए आप निकल गए, जब आगे निकले तो आप एक मॉनेस्टरी के पास से गुजरे। ये मॉनेस्टरी क्या थी? हम कह सकते हैं इट वॉज अ क्रिश्चियन मॉनेस्ट्री, बट इट टेक्निकली वॉजंट अ क्रिश्चियन मॉनेस्ट्री। ईसा अलैहि सलाम के फॉलोअर्स थे, लेकिन वो फॉलोअर्स थे जो कि मोनोथियज़म पे या तौहीद पर थे, जो ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का रसूल और नबी मानते थे, अल्लाह का नाऊद बिल्ला बेटा नहीं मानते थे। तो आप उस मॉनेस्ट्री के पास से गुजरे तो आपको ना ऐसे कुछ हिम्स पढ़ने की आवाज़ें आई, जैसे होते ना लोग तिलावत कर रहे होते हैं, तो वो ना कुछ आयात की तिलावत कर रहे थे। तो आपको बड़ा अच्छा लगा कि इतनी क्या, और आप देखने के लिए रुके और आप वहाँ पे बैठ गए, हत्ता के पूरा दिन आपने वहाँ गुजार दिया। और आप लोगों से सवाल पूछते रहे कि भाई तुम किसकी इबादत कर रहे हो, किसको पुकार रहे हो? तो लोगों ने बताया कि भाई हम तो एक अल्लाह को मानते हैं, हम तो किसी मखलूक को नहीं पूजा करते, हम किसी मखलूक की इबादत नहीं करते, हम तो एक अल्लाह की इबादत करते हैं और उस अल्लाह ने बहुत सारे नबी भेजे हुए हैं, बहुत सारे रसूल भेजे हुए हैं।
अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, वरकद बासना फी कुल्ली उम्मा, हमने हर उम्मत पर रसूल भेजा, क्या कहने के लिए, इन्हें अब्दुल्लाह वजतन बुता हु। तो उन्होंने कहा भाई हम तो उन्हीं सारे अम्बिया का सिलसिला चला आ रहा है और उनकी दावत एक ही दावत थी कि एक अल्लाह की इबादत कर लो, तो हम तो वही बात करते हैं। सलमान अल फारसी को उनकी बातें बहुत पसंद हैं और वो एक्साइटमेंट में वापस घर गए। अच्छा, जो तेल लेने के लिए कहा था वो नहीं लिया, उन्होंने भूल गए। जब वापस गए तो अब्बा जान तो गुस्से में थे, उन्होंने कहा भाई तुम सारा दिन कहाँ थे? तो उन्होंने कहा अबू तेल को छोड़े परे, मेरे पास बहुत बड़ी खबर है आपके। उनका क्या खबर है? कहते अबू आपको पता है कि हमारा रिलीजन वाहिद रिलीजन नहीं है, क्या आपको पता है ये बात? अबू कहते हाँ मुझे पता है। कहते आपको पता है कि वो लोग जो है ना, हम तो आग जलाते हैं, हम तो उसको पूछते हैं, वो इसको नहीं पूछते। वो तो कहते हैं कि अल्लाह जो खालिक कायनात है वो एक है, वहदहू ला शरीक है, वो तो उसकी इबादत करते हैं। और ये अंबिया का सिलसिला जिनमें से कई हमारे भी बड़े बड़े नेक लोग गुजरे, मुझे लगता है वो अल्लाह के नबी होंगे, वो ऐसे लोग नहीं हो सकते जिनको हम पूज रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो समझता हूँ कि आप भी चले कल जाके, वो इतने एक्साइटेड थे कि मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ चले कल हम जाके देखते हैं। अब्बा जान ने क्या किया? अब्बा जान ने कहा लगता है तू ब्रेन वॉश हो गई। और सलमान अल फारसी को खूब पिटाई की उनकी, इतनी पिटाई की कि आपको बंद कर दिया और कैद कर दिया और टॉर्चर किया और मारना शुरू कर दिया। कहा आइंदा अगर तेरे मुंह से ये बात निकली ना, तेरी मैं हड्डियां तोड़ दूंगा। यानी बजाय कि वो कहते कि बेटा चलो सुन लेते हैं तुम्हारी बात, क्या वो कह रहे, उन्होंने कहा ना जो तुम कह रहे हो ये पता नहीं किसने तुम्हें ब्रेन वॉश किया, पिटाई शुरू कर दी, ब्लॉक कर दिया। सलमान अल फारसी ने किसी तरीके से ना ये बात वहां तक पहुंचा दी, क्योंकि उस प्रीस्ट ने जो वहां को मिला था उसने ये बताया था कि असल में जो दावत है ना हमारी, ये तो हम लोग कुछ लोग यहाँ बैठे हुए इबादत कर रहे हैं, असल हमारा जो मरकज है वो शाम में है। शाम में अगर तुमने जाना है, अगर तुम्हें मौका मिले और तुम वाकई में दीन सीखना चाहते हो तो शाम चले जाओ। तो सलमान अल फारसी ने ये बात किसी तरीके से खिड़की से आवाज़ दे के किसी तरीके से बात उनको पहुंचा दी थी कि जब भी कोई भी कैरावान जा रहा होगा शाम की तरफ मुझे आपने बताना है। तो कुछ हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन गुजरने के बाद किसी ने उनको बताया कि ओ सलमान वो कैरावान आ गया, शहर में दाखिल हो गया और वो कल या परसों निकल रहे हैं। तो सलमान अल फारसी ने क्या किया, जंजीरें तोड़ते हुए किसी तरह से उन्होंने अपने आप को छुड़वा लिया वहाँ से और घर से भाग गए। क्यों भागे? अपना कंफर्टेबल लाइफस्टाइल छोड़ दिया, अपने वालिदैन को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो हक की तलाश में थे। एंड इसीलिए सलमान अल फारसी इज द अल्टीमेट सीकर ऑफ ट्रूथ, कि मुझे हक चाहिए, मैं सच बात तक पूछना चाहता हूँ। आप वहाँ से निकले, आपने कैरावान को ज्वाइन किया, कैरावान उनको शाम तक ले गया। अब देखें ये ईरान से चले थे और प्रेजेंट डे सीरिया में पहुंच गए जाकर। किस लिए? इल्म के लिए, इल्म की जस्तजू के लिए। अब सीरिया में जब पहुंचे तो वहां पे उनको एक प्रीस्ट मिल गया। उन्होंने प्रीस्ट को बहुत शुक्रिया अदा किया कि जी बहुत शुक्रिया आप मुझे मिले, मुझे सिखाएं, मुझे दीन का इल्म सिखाएं। प्रीस्ट ने सिखाना शुरू किया, लेकिन प्रीस्ट थोड़ा सा दो नंबर था, बातें सही करता था, अमल उसका खराब था। वो क्या करता था, वो लोगों से चैरिटी लेता, चंदा दो चंदा दो, पैसे दो चंदा दो, और क्या करता, वो सारे पैसे अपनी तिजोरियों में भरता चला जाता था। सारे पैसे उसने अपने बेडरूम के नीचे एक ना वो बेसमेंट कंपार्टमेंट सा बनाया हुआ था, उसमें घुसाए जा रहे चीज़ें। तो सलमान अल फारसी उसके अप्रेंटिस थे, उसके सेकंड इन कमांड थे, उसके आप समझ लें कि जो उसका नायब है वो बन चुके थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसकी सर्विस करना, खिदमत करना, तो वो उनके सेकंड इन कमांड तो बन चुके थे। लेकिन आपको पता था कि ये बातें सही करता है, तरीका बिल्कुल गलत है। अब रुक जाए थोड़ी देर के लिए, हमारे लिए आज इसमें बहुत सारे लेसन हैं। लोग अक्सर औकात पता क्या होता है, हमारा फेल देखते हैं, कहते हैं दीन में मसला है, मसला दीन में नहीं है, मुसलमानों में मसला हो सकता है, इस्लाम में कोई मसला नहीं। तो इसलिए अगर आपने इस्लाम को फॉलो करना है ना, अल्लाह और रसूल का तरीका देखें, हम जैसे लोगों की गलतियां, कोताहियां, गुनाहों को ना देखें। लोग क्या करते हैं, देखते हैं जी फलाम मौलवी ने ये कर दिया, नो जी सारे ऐसे होते। अब ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। जो सीकर ऑफ ट्रूथ होता है ना, उसको पता होता है कि इंसान खता का पुतला है, उसे गलती हो सकती है। लेकिन अगर मैं ओरिजिनल टीचिंग्स पे जाऊँ, टीचिंग्स तो बिल्कुल फ्लॉलेस है, टीचिंग्स तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसीलिए सलमान अल फारसी उस प्रीस के साथ रहे कि चलो इल्म तो मिल रहा है ना, बंदा ठीक नहीं है और बात है, ये कहता कुछ है अमल नहीं करता। जैसे अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि या अय्युहल लजीना आमनू लिमा तकूलूना मा ला तफअलून, ऐ ईमान वालों क्यों तुम वो कहते हो जो खुद करते नहीं। तो क्या हुआ, कुछ अरसे के बाद ये प्रीस बीमार हो गया, और बीमार हुआ तो मर गया। जब मर गया तो लोगों ने आके कहा कि जी हम तो इसको बड़ा ग्रैंड सा फ्यूनरल देंगे, हम तो चाहते हैं कि ये बड़ा अच्छा प्रीस था, हमारा बड़ा लीडर था, तो उसको हम बड़ा ग्रैंड सा फ्यूनरल देंगे। सलमान अल फारसी ने कहा रुक जाओ, इससे पहले कि कोई ग्रैंड फ्यूनरल दो, मेरी भी दो बातें सुन लो। उन्होंने कहा ये वैसे ठीक है इल्म अच्छा था, लेकिन था ये दो नंबर। तो उन्होंने कहा इतना बड़ा तुमने इल्ज़ाम कैसे लगा दिया हमारे बाबे पर?
कैसे इल्जाम लगाया तुम? उसने कहा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है इसके सामान कहाँ छुपा हुआ है। तो उसने वो जब तिजोरियाँ खोली उसने कहा ये आप लोगों का सोना चांदी और जो पैसे आपने दिए थे वो सारे ये पड़े ये वापस ले जाएं, ये चैरिटी चैरिटी कोई नहीं हुई यहाँ पर। तो क्या हुआ, लोगों ने कहा भाई ये तो बड़ा हमारे साथ एंड हुआ, लेकिन उन्होंने सलमान अल फारसी को अप्रिशिएट किया और फिर एक और प्रीस्ट मंगवाया गया। ये जो प्रीस्ट आया ये बहुत अच्छा था, बहुत नेक था। इसने क्या किया, इसने जो ना सलमान अल फारसी को पढ़ाना शुरू किया। सलमान अल फारसी ने दोबारा इनके साथ एक प्लेज किया कि मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह, मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। अब कुछ देर के बाद ये भी काफ़ी बूढ़ा था, बीमार होना शुरू हो गया। तो सलमान अल फारसी ने उससे पूछा कि शेख आप जब दुनिया से चले जाएंगे तो मैं फिर दीन कहाँ से लूँगा? तो उसने कहा कि देखो हमारा जो दीन है ना इसको लोगों ने बहुत बदल दिया, हमारा जो दीन है इसको लोगों ने बहुत बदल दिया। मैं किसी को नहीं जानता जो सही दीन पर है सिवाय एक शख्स के, और वो शख्स मौसल में रहता है, वहाँ तुम चले जाओ वहाँ तुम वो मिल जाएगा, और ये प्रीस्ट है उसका पूछना मेरा बताना वो तुम्हें पढ़ा देगा। कुछ ही दिनों में ये फौत हो गया। सलमान अल फारसी ने अपने कुछ मामलात निपटा के मौसल चले गए। वहाँ गए तो उस प्रीस्ट से मिले और कहा मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। उसके साथ कुछ अर्सा गुजारा, वो भी बूढ़ा था। उससे पूछा भाई जब आप चले जाएंगे तो कहाँ मैं जो ना कहाँ जाऊँ? उसने कहा हमारा दीन करप्ट हो चुका है, मुझे नहीं पता किसी के पास सही दीन है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर करप्शन आ चुकी है, लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को पता नहीं क्या बना दिया, हालांकि वो थे अल्लाह के नबी और रसूल थे, लेकिन लोग पता नहीं क्या क्या कीदा रखते हैं उनके बारे में। तो मैं नहीं जानता सही दीन कहाँ है सिवाय एक बंदे के, वो फलां जगह होता है। फिर आपने जब वो फोत हुआ आप वहाँ चले गए। वहाँ जब पहुँचे उस बंदे से भी कहा कि जी अब मैं कहाँ जाऊँ? उसने कहा कि मुझे नहीं पता कोई शख्स भी जिसके पास सही दीन होगा सिवाय कि अमूरिया एक जगह है, वहाँ तुम चले जाओ वहाँ पे तुम्हें एक बंदा मिल जाएगा। सलमान अल फारसी अभी चौथी दफ़ा जगह मूव कर रहे हैं। फाइनली व्हेन ही गोज़ टू अमूरिया, वहाँ पे जो प्रीस मिला तो वो इन सारों से अच्छा था, यानी जब भी उन्हें जगह मूव किया ना तो ही फाउंड द प्रीस टू बी बेटर देन द लास्ट वन। हर दफ़ा जो उनको प्रीस मिलता है वो पिछले से बेहतर होता है, यानी अपने तकवा में अपने इखलास में अपने जोहद में हर एतबार से उनको बेहतर मिल रहा था। तो जब फाइनली अमूरिया पहुँचे तो वो प्रीस सबसे अच्छा था, और उसकी भी जब उम्र करीब आ गई तो उन्होंने पूछा कि आपके बाद मैं दीन कहाँ से लूँगा? उन्होंने कहा बेटे खुदाई कसम मुझे नहीं मालूम कि मेरे बाद एक भी बंदा ऐसा है जिसको तुम ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन एक खुशखबरी ये है कि हम जिस ज़माने में रह रहे हैं ये वही ज़माना है हमारी किताबों के मुताबिक जो कि अल्लाह के आखिरी नबी के आने का वक्त है। तो यहाँ से अगर मैं फोत हो जाऊँ बोरिया बिस्तरा उठाकर यसरिब की तरफ चले जाना। यसरिब का डिस्क्रिप्शन कैसे थी? उसने कहा ये इलाका है अरेबिया में, तुम्हें जाना पड़ेगा जहाँ पे बहुत सारे खजूर के दरख्त नजर आएंगे, वहाँ पे जाओ वहाँ पे वेट करो, जो भी नबी होगा वो उधर ही आएगा, क्योंकि हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि वो उस जगह से वो नमूदार होगा, वहाँ से वो उसका यानी वो वहाँ पे आएगा, वहाँ पे वो अपनी किंगडम बनाएगा, वहाँ पे उसका एम्पायर होगी, जो कुछ भी है वो वहाँ से होगा। तो तुम जाओ यसरिब। यसरिब जो है ये मदीना का पुराना नाम है। सलमान अल फारसी अब कुछ ही दिनों के बाद जब इसका भी इंतकाल हो गया, आपने क्या किया, जो आपके पास थोड़े बहुत पैसे थे, आपके पास एक गाय थी, कुछ आपके पास बकरियाँ थी, आपने बेची, पैसे इकट्ठे किए, एक कैरावान था जो कि मदीना की साइड पे खैबर की तरफ जा रहा था, क्योंकि खैबर वॉज अ ट्रेडिंग सिटी, वहाँ पे लोग ना तिजारत के लिए जाया करते थे मुख्तलिफ मतलब इलाकों से, दमास्कस से और जो है मुख्तलिफ एरिया से। तो आप उस कैरावान के साथ जुड़ के आपने कहा भाई मेरे से पैसे ले लो, मुझे आप यहाँ खैबर तक ले जाओ, बाकी मैं आगे देख लूँगा मैंने कहाँ जाना। तुमने कहा ठीक है आप हमारे साथ आएँ। अब ये लोग थोड़े से करप्ट थे, इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई हमारे पास ये बंदा आ गया, इसको पकड़ो और इसको बाजार में बेच दो, क्योंकि इनके पास सलमान अल फारसी के पास ना तो कोई फैमिली है, ना कोई फ्रेंड्स हैं, ना कोई क्लैन है, और अरबों के यहाँ ना अगर आपका क्लैन नहीं है तो आप कुछ नहीं, आपकी बैक ही नहीं है, आपकी सपोर्ट ही नहीं है कोई, तो कोई भी बंदा आपके बारे में कुछ भी कह सकता है। तो उन्होंने क्या किया, सलमान अल फारसी को पकड़ा, चैनों में बांध दिया और जाके ना अब खैबर के पास एक बाजार में बेच दिया। अब वो जितना मर्जी कहते हैं मैं स्लेव नहीं हूँ मैं आज़ाद आदमी हूँ, अब वो 40 बंदा कह रहे हैं नहीं आप जो ना स्लेव हैं आप गुलाम हैं, वो कह रहे हैं मैं नहीं हूँ, जारी बात है गुलाम तो ये कहते कि मैं नहीं हूँ। तो लोगों ने कहा भाई ठीक है इसकी बात तो क्या मानना, वो जो 40 बंदा गवाही दे रहे हैं वो सही कह रहे हैं। सलमान अल फारसी को एक यहूदी के यहाँ बेच दिया खैबर के पास। ये जो यहूदी था इसका जो फर्स्ट कज़न था उसको उसने सलमान अल फारसी को गिफ्ट कर दिया। सलमान अल फारसी को ना उसने कहा भाई मैंने तुम्हें अपने लिए नहीं लिया, मैंने तुम्हें अपने कज़न के लिए लिया जो कि एक्चुअली जूश ट्राइब बनू कुरैज़ा का था। बनू कुरैज़ा कहाँ सेटल्ड थी, दे सेटल्ड इन मदीना। जब सलमान अल फारसी कहते हैं कि मुझे
वो कज़न जो था, वो जो जू था, वो जब जिसके अब पोजेशन में आ गए, जो इनका मालिक बन गया, वो जब मुझे मदीना की तरफ खैबर से मदीना ले जा रहा था, कहते मेरी आंखें चमकना शुरू हो गई और मैंने जब वो डेट पाम ट्रीज देखे, मैंने कहा दिस इज़ इट। मतलब उनको सारी टेंशनें भूल गई कि मैं इसका गुलाम हूँ, मैं किसी की कस्टडी में आया हुआ हूँ, मुझे गलत तरीके से पकड़ा गया है, मेरी राइट्स ले ली गई हैं। आपको सिर्फ ये खुशी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँचा तो उधर ही पहुँचा जहाँ मैंने जाना था। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या था? द डेस्टिनेशन, द गोल, द टारगेट। सलमान अल फारसी अब इस बंदे के लिए काम करना शुरू किया। इसके पास डेट पाम के बागात थे, तो ये सलमान अल फारसी को काम लगा था कि चलो ऊपर चढ़ जाओ, वहां से जाके खजूरें तोड़ के लाओ। तो सारा दिन वो यही काम करते रहते, ऊपर चढ़ते जाके खजूरें तोड़ते, फिर जब प्लांटेशन का सीजन आता प्लांटिंग करते, तो ये काम वो करते रहे। अंटिल वन डे आफ्टर सम टाइम पास बाय, इस जू का एक कजन था जो कि वहां पर इसको मिलने के लिए आया और इसने कहा कि बर्बाद हो गए औस और खजरज, बर्बाद हो गए, हलाक हो गए औस और खजरज। औस और खजरज जो थे ये दो अरब कबीले थे मदीना में। इसने कहा बर्बाद हो गए सारे के सारे। क्या हो गया? कहते वो जो था ना, वो जो नबी कह रहे अपने आप को मक्का से आ गया वो। अब ये बातें कहाँ हो रही हैं? जिस दरख्त के ऊपर सलमान अल फारसी चढ़े हुए ना, नीचे बात हो रही है। सलमान अल फारसी ने जैसे सुना कि वो जो अपने आप को नबी कहता है वो आ गया, तो आपके ना एकदम से अलर्ट हो गया और आप कहते हैं कि मैंने बस छोड़ दिया दरख्त को और मैं ऐसे बस गिर गया नीचे। जैसे नीचे गिरे आपने अपने मालिक का गिरबान पकड़ लिया कि क्या कहा तुमने, कौन आ गया यहां पे? तो उस मालिक ने क्या किया, जोर से थप्पड़ लगाया आपके मुंह पे। उन्होंने कहा वापस जाओ काम के लिए, किधर तुम नीचे उतर आए? सलमान अल फारसी कहते हैं मैं आराम से दोबारा से वापस दरख्त पे चढ़ गए और खजूरें तोड़ने लगा। कहते लेकिन मेरा दिल जो था ना इतना एक्साइटेड था कि अल्लाह का नबी जिसके बारे में मैं जिसको ढूंढने के लिए मैं यहां आया था, सुना कि वो आ रहा है। अच्छा, उस रात को ना नबी करीम सल्लम उस टाइम पे कुबा जहाँ मस्जिद है कुबा है वहाँ पहुँचे हुए थे। सलमान अल फारसी जहाँ अपने काम से फारिग हुए, आपने कुछ खजूर लिए और आप नबी करीम सल्लम के पास चले गए। खजूर क्यों लिए? क्योंकि आपका जो लास्ट टीचर था उसने बताया था कि उस नबी को पहचानने की निशानियाँ तीन होंगी। पहली निशानी ये होगी कि जब तुम उसको सदका दोगे वो नहीं लेगा। अगर तुम उसको सदका दोगे ना कि ये सदका है आपके लिए, ज़कात है आपके लिए, वो नहीं लेगा। उसके ऊपर ये जायज़ ही नहीं है कि वो आपसे सदके ले, नहीं लेगा। अगर तुम उसको गिफ्ट दोगे वो ले लेगा, तोहफा दोगे वो ले लेगा, तोहफा का तोहफा इनकार नहीं करेगा। और तीसरी चीज, उसकी शोल्डर्स के बीच में नबूवत की सील होगी। अब सलमान अल फारसी जो है ना वो कुबा के मकाम पे पहुंचे, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपने फरमाया कि ये आप हमारे मेहमान हैं, हम मदीना के लोग हैं, आप हमारे मेहमान हैं, मैं आपके लिए ये चैरिटी लेके आया हूँ, ये सदका ये मैं आपको देना चाहता हूँ। आप सल्लम ने एज इट इज़ वो लिया और सीधा सहाबा को पास कर दिया। सहाबा ने उसमें से खाया, आपने एक खजूर को हाथ में लगाया। तो सलमान अल फारसी ने यू कैन ओनली इमेजिन, उन्होंने अपनी लिटिल नोटबुक में एक टिक लगा दी कि चलो जी पहला टिक तो डन। अगले दिन आप फिर आए, इस दफ़ा दोबारा आप खजूरें लेके आए। आपने कहा कि ये तो मैं खजूरें आपके लिए तोहफे में लेके आया। जैसे आपने फरमाया ना कि मैं आपके लिए तोहफे में लेके आया, आप सल्लम ने खजूरें ली, उसमें से एक खुद खाई, बाकी सहाबा को फॉरवर्ड कर दी। सलमान अल फारसी ने दोबारा अपनी नोटबुक निकाली और लिखा नंबर टू पॉइंट टिक। और फिर अब तीसरी चीज़ लगी थी, आप सल्लम ने एक जगह पे किसी की फोटकी होगी, आपने वहाँ पर नमाज जनाजा पढ़ाया। अब वहाँ से जब सब निकल रहे हैं तो सलमान अल फारसी ने ये अपॉर्चुनिटी देखी कि मैं किसी तरह से ना नबी करीम सल्लम के कंधे के पीछे से देख लूँ कि आपकी बैग पर वो निशान है कि नहीं है। अब आप सल्लम चल रहे हैं, सलमान अल फारसी उनके पीछे पीछे आ रहे हैं और वो ऐसे ना कभी ऊपर से देख रहे हैं, कभी साइड से देख रहे हैं, किसी तरीके से कोई नज़र आ जाए, कोई आँख तो ना, कभी कपड़ा थोड़ा पीछे स्लिप होता है तो बंदे को नज़र पड़ जाती है, तो वो ऐसे ऐसे करके ना देख रहे हैं और पीछे पीछे चल रहे हैं। नबी करीम सल्लम को पता चल गया ये बंदा मेरे पीछे पीछे आ रहा है और अनयूजुअल बिहेवियर कर रहा है। आपको पता था कि मेरी सील देखना चाह रहे हैं। आपने क्या किया, अपनी शर्ट को ना जिसके थोड़ा सा आगे से ओपन थी लूज करके ज़रा शोल्डर्स को ड्रॉप कर दिया पीछे की तरफ। जब ड्रॉप किया तो बिल्कुल सामने सलमान अल फारसी के ना आपको वो नबी करीम सल्लम की शोल्डर के बीच में वो सील नज़र आ गई। सलमान अल फारसी की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए, आप रोना शुरू हो गए और आपने नबी करीम सल्लम को पीछे से हग कर लिया और कहा ऊंचा सा, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। आप सल्लम ने उनको थपकी देते कहा आगे आगे से खाओगे से आगे उनको किया और उनको गले लगाया और कहा क्या हो गया मुझे बताओ, बैठो मेरे साथ। और वहाँ पे सलमान अल फारसी फिर नबी करीम सल्लम साहब बैठे और आपने ये पूरा वाक़या सुनाया कि आपको नहीं पता मैं कहाँ से आ रहा हूँ आपको ढूंढता हुआ, मैं पर्जिया से बिलोंग करता हूँ, फारस के इलाके से मैं आया हूँ, हम लोग माजूसी थे, आग की पूजा करने वाले थे, हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं थी,
मैं वहां से चला हूँ, एक प्रीस, दूसरा प्रीस, तीसरा, चौथा, चार लोकेशन बदलता हुआ फाइनली मदीना में आया, गुलामी की और फिर आप मुझे आज मिले। और नबी ने जब ये सबके सामने ये बात शेयर की तो सहाबा का भी ना ईमान का लेवल बहुत ऊपर चला गया। अल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, लेकिन किसको हिदायत देता है? उसको देता है जो खुद चाहता है। जो अल्लाह की तरफ एक कदम लेके आता है ना, अल्लाह उसकी तरफ दस लेके आता है। जो अल्लाह की तरफ चल के आता है, अल्लाह उसकी तरफ दौड़ के आता है। सलमान अल फारसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैं फिर भी गुलाम हूँ, मैं आपसे मिल तो लिया लेकिन मैंने जाना अपने मास्टर के पास ही है, अभी भी मैं वहाँ से फरार होकर आया हूँ। तो आपने फरमाया सहाबा से कौन अपने भाई को आज़ाद करेगा? तो सहाबा में से कुछ लोगों ने वॉलंटियर किया कि जी जो रकम है हम पे करेंगे। जब उस यहूदी को पता चला कि जी सलमान अल फारसी की क्या वैल्यू है आप सलम के नज़दीक, उसने क्या किया? प्राइस चढ़ा दी। क्या प्राइस कर दी? 300 खजूर के दरख्त। उसने कहा सलमान चाहिए आपको ना, सलमान ये वाला, हाँ इसलिए 300 खजूर के दरख्त दो, उसके अलावा 40 तोले सोना, ये दोगे तो सलमान मिलेगा, अदरवाइज नो सलमान, सलमान मेरा जो ना गुलाम ही रहेगा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आपने 300 डेट सीड्स जो है ना वो इकट्ठे करवाए, जो भी खजूरों के गुठलियाँ आ रही हैं वो आपने 300 इकट्ठे करवाए। आपने सलमान फारसी ने कहा कि आप मेरे साथ चले, मैं खुद अपने हाथों से ये प्लांट करूँगा। और आपने अपने बाबरकत हाथों से 300 डेट पाम के जो सीड्स हैं वो प्लांट किए, और इतनी बरकत हुई कि वो 300 के 300 दरख्त के शुरू में निकल आए। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जितना उनको टाइम लगता था वो लगा, कुछ महीने या 6 महीने या 8 महीने जितना टाइम लगा। लेकिन आमतौर पर ना कि जब आप सीड्स लगाते हो तो ज़रूरी नहीं है सारे ही निकले, हो सकता है कि आपका जो सक्सेस रेट है वो 50-50 हो या 60-40 हो, कि 40% बीज ज़ाया हो गए, लेकिन आप सलम चूँकि लगाए थे तो वो 300 के 300 में से दरख्त निकले। और फिर ये 40 तोले सोना जो था ये भी इकट्ठा हो गया, पेमेंट हुई, एंड विद इन अबाउट अ ईयर और लेस देन अ ईयर सलमान अल फारसी आज़ाद हो गए। और फिर उनसे इस्लाम को कितना फ़ायदा हुआ, जिसको हम गज़वाए खंदक कहते हैं, उसके ऊपर ये जो खंदक खोदने का आइडिया था ये आई सलमान अल फारसी की तरफ से। और आगे जाके भी दीगर उनके वाक़ियात मौजूद हैं जहाँ पर उनका तकवा, उनका अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप, यानी वो शख्स जो कि अपने दीन को मुकम्मल करने के लिए सर्चिंग फॉर ट्रूथ निकला था, किस तरह से अल्लाह ताला ने उनको गाइड किया। और यहाँ पे मैं आपको एक और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन बताऊँ, जब हम लोग सहाबा के बारे में सोचते ना हमारे दिमाग में आमतौर पे अरब जाते हैं, सारे अरब थे। अब ये क्लासिकल एग्जाम्पल है कि सलमान अल फारसी अरब नहीं थे, ही वॉज फ्रॉम पर्शिया। सुहेब रूमी वॉज ब्लू आइड ब्लॉन्ड हेयर रोमन। सैयदना बिलाल जो थे वो अफ्रीकन थे। तो सहाबा का तसव्वुर अगर आपके दिमाग में यूं है कि सारे के सारे अरब थे, सारे अरब नहीं थे, उसमें मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल एंड मल्टी जो ना मल्टीपल बैकग्राउंड से लोग आए हुए थे। अब्दुल्लाह इब्न सलाम जो थे, ही वाज अ ज्यूइश रैबाई हु बिकेम मुस्लिम, ही वाज फ्रॉम फिलिस्तीन। तो आपको इतनी वैरायटी नजर आती है सहाबा के अंदर, हाँ बाय एंड लार्ज अरब ही थे लेकिन उसके अंदर बहुत सारे और भी कलर्स थे जो आपको नजर आ रहे हैं। और ये सारे लोग कौन थे? थे तो बड़े डिफरेंट, अपने देखने में, अपने कद काट में, अपनी शक्लो सूरत में बहुत मुख्तलिफ थे, लेकिन कॉमन चीज़ क्या थी? सब एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे, सब एक अल्लाह की इबादत करते थे। जितने भी नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अर्ज़ इकट्ठे हुए थे ना, वो सारे सिर्फ इसलिए इकट्ठे हुए थे कि ये बंदा हमें हमारे रब से कनेक्ट कर रहा है। तो आज हम जो हम लोगों ने आज आप लोगों को बुलाया हुआ है, वो बुलाने का मकसद भी ये है कि हम लोग हो सकता है बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से हों, हम कोई बंदा पिंडी से आया है, कोई बंदा इस्लामाबाद से ही रहता है, कोई फ़लाँ सेक्टर से, कोई फ़लाँ सेक्टर से, कोई स्कूल में है, कोई कॉलेज में है, कोई यूनिवर्सिटी में है, कोई वर्क प्लेस में है, लेकिन सब में कॉमन फैक्टर क्या है कि हम लोग इसलिए आए हैं कि हम अपने रब को राज़ी कर लें किसी तरीके से, हमारा रब हमसे खुश हो जाए, हमें हिदायत नसीब हो जाए और हम लोग दुनिया में भी खुशी से ज़िंदगी गुजार लें और आखिरत में हम जिस तरह आज यहाँ बैठे हैं बिल्कुल इसी तरह हम सारे जन्नत में भी हों, है कि नहीं? से तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूं कि इस स्टोरी से आप बहुत सारे वैल्यूबल लेसन लेके जाएं। सबसे वैल्यूबल लेसन ये कि इल्म की जुस्तजू, हक की तलाश के लिए यू शुड गो टू एनी लिमिट, किसी हद तक चले जाएं ताकि आप हक तक पहुंच जाएं, हक की तलाश में। मैं खुद आज से कई साल पहले दीन की तरफ आना शुरू हुआ, मैं दीन पे तो नहीं था, मेरी सारी एजुकेशन जो है वो मुल्क से बाहर हुई है, इंग्लैंड से मैंने बैचलर्स किया, ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी का मेरी एक्चुअली फील्ड है, लेकिन कुछ हालात और वाकयात ने मुझे इस तरफ रागब कर दिया। और जब मैं इस तरफ आया तो मैं बहुत कन्फ्यूजन में था,
कि पता नहीं सही दीन कहाँ है, सही दीन आ भी गया तो सही स्कूल ऑफ थॉट क्या है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इस्लाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत बहुत लगी, बहुत सर खपाया, बहुत लोगों के साथ टाइम लगाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यही बात समझ में आई कि जब अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए तो वो हमारे लिए सबसे अफजल और आला चीज़ है। जो हमारे रब का फैसला हो, जो हमारे प्यारे नबी की बात हो, वो सर आँखों पर, और जब ये बात आप तक पहुँच जाए उसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, वो क्या ऑप्शन है कि समझा ना आता, हमने सुन लिया अब हम अतात कर लो। आपको बात पसंद आ रही है नहीं पसंद आ रही वो मसला ही और है, बात ये अगर अल्लाह उसका रसूल का हुक्म है तो फिर करना हो, दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हमें समझ दे, अल्लाह ताला हमें हमारे दिल के अंदर शरह सदर अता फरमाए कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकें, लेकिन करना वही होगा जो अल्लाह और उसके रसूल का फैसला होगा। तो मैं दुआ करता हूँ आप सबके लिए कि अल्लाह ताला हमारी गलतियाँ कोताहियाँ गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदों में शामिल करें, अपने अम्बिया सिद्दीकीन शहदा सालेहीन में अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाए, और मेरी दुआ तो ये कि राज़ी ना हो अल्लाह ताला हम सबको ना चुन ले टू बी हिज फेवरेट्स। हम जब दुआ मांगे तो फिर दुआ मांगने में कोई इनकम टैक्स तो नहीं है ना, वैसे ठीक है डॉलर ऊपर जा रहा है और पेट्रोल की कीमतें जा रही हैं, लेकिन दुआ मांगने में तो कोई टैक्स नहीं अभी तक हुकूमत की तरफ से। तो मांगो बड़ी से बड़ी दुआ मांगो, या अल्लाह मुझे अपने फेवरेट्स में से चुन ले, मैंने कोई आम मुसलमान नहीं बनना, आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ योर फेवरेट पीपल। और अगर उसके लिए इसीलिए आपसे फरमाया कि अल्लाह ताला से अगर मांगना ही है ना तो फिर जन्नत का कोई भी मकाम मांग लो। आपने कहा अल-फिरदौस मांगो, अगर मांगना ही है अल्लाह ताला से देन आस्क फॉर अल-फिरदौस, बल्कि अल-फिरदौस अल-आला, सबसे जो बेस्ट मकाम है वो मांगो, एंड देन अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाएगा वो काम करने की जो आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाए, हमारी गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमाए, और हम सबको इंशाल्लाह जन्नत अल-फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم। जी तो आप लोगों ने वीडियो देखा, ज़ियाउलग भाई ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया, मुझे तो बहुत ज़बरदस्त इनकी बातें लगती हैं, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से A1 और जीनियन तरीके से बताते हैं, इसमें कुछ मिलावट नहीं होता, कोई ऐसा कोई फिल्म नहीं होता कि खुद से ही क्रिएट करके उसको समझाना, ऐसा भी नहीं है, जो है एग्जिट वही उन्होंने बताया है। और मुझे कहने की और ज़रूरत तो नहीं है, आप लोगों ने वीडियो देखा है सुना भी है, अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया है, मुझे तो बहुत पसंद आया, सो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि ऐसे ही मज़ीद वीडियो आप लोगों के पास पहुंचती रहे। और ज़ियाउलग भाई इनको भी आप इनके चैनल पे आप जा सकते हो, और फेसबुक आईडी भी है इनका, वहाँ पे इनके मज़ीद बहुत सारे वीडियोस हैं, अच्छे अच्छे इस्लामिक वीडियोस आप देख सकते हो। मैं आप लोगों को यहाँ भी दिखाता रहूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद देखता हूँ और आप लोगों के साथ देखता हूँ। सो थैंक यू सो मच, ख्याल रखें अपना, अल्लाह ने के बाद।